आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ। ये है इसका साइड व्यू, ये इसका साइड व्यू है, आप इधर से देख सकते हैं। बहुत पानी था, इतना पानी था, बहुत बड़ा बड़ा इमारत बहुत दाग गया है, लेकिन जो हम कहते हैं अभी तक। आपको मैं इस मस्जिद के चारों ओर लेकर चलता हूँ। फाइनली हम लोग नाव में बैठ चुके हैं उधर जाने के लिए। दोस्तों कैसे हैं आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज मैं आपको फिर से ले जाने वाला हूँ वही मस्जिद जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी, हल्दिया डैम की वो मस्जिद, जो कि जिसके बारे में लोगों का कहना था कि वो 600 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी है। आज फिर से हम लोग वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि वो मस्जिद अब किस हाल में है। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोगों की भीड़ है, बहुत से लोग जा रहे हैं, मतलब ये कि जब से वो मस्जिद के बारे में लोगों को पता चला है हमेशा हमेशा यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। पहले मैं आपको लोकेशन इसका बता दूँ, ये जो जगह है वो रजौली है और ये जो रोड है वो नवादा से आ रहा है। नवादा बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जिससे ये रूट डायरेक्ट आ रहा है। आपको इधर में राइट टर्निंग लेनी है और ये है अपनी हैरी। तो चलिए चलते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए यही वो डैम है जिसको हल्दिया डैम के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों यही वो डैम है जिसको हल्दिया डैम के नाम से जानते हैं और ये जो डैम है वो 1984 में बना था, 1984 में बना था। तब से वहाँ पे एक गांव था, आगे जाकर वो यहाँ से करीब 4-5 किलोमीटर दूर जाएंगे तब आपको वो मस्जिद दिखेगी। वैसे ये जो है, ये जो डैम हल्दिया डैम है वो रजौली से करीब 2 किलोमीटर के दूरी पर है। बहुत सुंदर जगह है, अपने आप में ये हल्दिया डैम भी जो है वो घूमने लायक जगह है, बहुत सुंदर है, चारों तरफ से पानी ही पानी है, बहुत सुंदर। देखिए वो रोड है, वो रोड सीधा वो मस्जिद की ओर जाता है और ये डैम वाला सीन है। तो दोस्तों पता नहीं आज फिर से बारिश शुरू हो गई है, उस दिन भी बारिश हुई थी और हमारे साथ ऐसा ही होता है, जब भी इधर आते हैं तो बारिश शुरू हो जाती है। बढ़ते हैं आगे फिर देखते हैं क्या क्या होता है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, ये जो जगह है नवादा से एग्जैक्ट 40 किलोमीटर है। एक नाला पार कर चुके हैं, आगे एक और नदी है। रोड का हाल कुछ ऐसा है और यहाँ से जूम करके आपको वो मस्जिद दिखाते हैं। देखिए यही वो मस्जिद है, ये नदी है। पिछली बार इसमें बहुत पानी था, इसको पार करना पड़ा था, लेकिन इस बार इसमें पानी नहीं है। तो जब से इस मस्जिद के बारे में लोगों ने सुना है, बहुत दूर दूर से लोग इस जगह को देखने आ रहे हैं। ये सारे लोग हैं जो मतलब अभी घूमने आए हैं यहाँ पे। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हम बलिया से आए। अच्छा, बलिया से आप लोग आए। तो आप लोग अंदर गई? हाँ अंदर गए। तो लगातार यहाँ पे जो लोग हैं वो आ रहे हैं। अभी मैंने जो आपको दिखाया, तो फिर से बारिश आ चुकी है, जाकर रहेंगे। इसको पार करना है, ज्यादा गड्ढा तो नहीं है? तो दोस्तों फाइनली वही हुआ जिसका डर था, फिर से बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी है। आप लोग भी इसी मस्जिद को देखने के लिए आए क्या? जी बहुत लोग आ रहे हैं भाई। और वो है वो मस्जिद जो यहाँ से करीबी है। बारिश खुल चुकी है, अब चलते हैं, अब नहीं रुकना। ये है मस्जिद, आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये है चारों तरफ से डैम, उसका पानी, और ये है बीच में मस्जिद। तो यही है वो मस्जिद, अब पानी का लेवल ऊपर हो चुका है, अब जो है ना आप आराम से अकेले पार नहीं कर सकते,
आपको नाव के सहारे से जाना पड़ेगा। यही नाव है, यहाँ से आप बैठ जाइए, इधर से जाने का 5 रुपया, आने का 5 रुपया, और वो है वो मस्जिद। फाइनली हम लोग नाव में बैठ चुके हैं उधर जाने के लिए, और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। आप यहाँ पे लोगों को देखेंगे ना तो लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है और हर आदमी यहाँ आना चाहता है। जब से वीडियो वायरल हुआ है बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ आते हैं और वीडियो बनाते हैं। पानी वगैरह जो है ना बिल्कुल पूरी तरह से भर चुका है। इसका नाम है नूरी मस्जिद, लोगों ने लिख दिया है, हालांकि ये लिखा गया है बाद में लिखा गया है, लेकिन इस मस्जिद का नाम जो है नूरी मस्जिद है, यहाँ के लोकल लोग बताते हैं। तो ये है हमारे सर जी एक्टिविस्ट लाइफ के लिए। यकीनन दोस्तों इंजनाब का भी शुक्रिया अदा करना बनता है, और मैं भी तो आप लोगों ने देखा होगा और कर रहे थे, इस सच्चाई बता रहे थे, ग्राउंड जीरो से सच्चाई बता रहे थे। हम न्यूज के माध्यम से आइए जनाब, ब्लॉग के माध्यम से, धन्यवाद, मिलके मजा आया बहुत। और आपको अंदर लेकर चलते हैं, यहाँ देखिए ये अंदर का व्यू है, यहाँ पे ये चादर वगैरह लगाया हुआ है, यहाँ पर भी चादर है। लोगों का कहना है कि ये जो मस्जिद है ना करीब 200 साल पुरानी है, और जब से ये डैम बना था हल्दिया डैम, यहाँ पे एक गाँव हुआ करता था चिरावला के नाम से, जिसको यहाँ से विस्थापित कर दिया गया, उन लोगों को अलग जगह दे दिया गया और वो लोग वहाँ जाकर बस गए, और तब से ये जो मस्जिद है ना वो पानी में डूब गई थी। तो मान कर चले कि आप 38 से 40 साल तक ये मस्जिद पानी में डूबी रही। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि इस मस्जिद को सलामत रखा है, क्योंकि 40 साल तक एक आम सी बनी इमारत 40 साल तक पानी में लगातार डूबे होने के बाद भी सही सलामत होती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा करम है अल्लाह का। ऊपर दिखाते हैं, ये इसका गुंबद है, ये दूसरा है, और इधर में ये तीसरा वाला गुंबद है। इससे पहले मैंने इस मस्जिद के बारे में वीडियो बनाया था तो आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, उन सबको देखो आप बिल्कुल सही सलामत है। और ये जो जगह है ना वो ये इमाम की जगह है, और ये मेहराब है जो जुमा के दिन खुतबा देने के लिए यूज़ किया जाता है। ये आज तक किसी ने नहीं बताया कि ये मस्जिद को कब बनाया गया। ये जो लोग जो 200 साल की जो बातें कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का अंदाज़ा है, वो ये नहीं जानते कि ये मस्जिद एक्चुअल में कब बनी थी। तो लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं, कोई 200 साल कह रहा है, कोई 300 साल कह रहा है। 1984 के बाद से ये लगातार पानी में डूबी हुई है, और उतने दिनों में ये अभी सही सलामत है। जब ये पानी का जो लेवल है वो जब कमा तब ये मस्जिद नज़र आने लगी। हालांकि लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये मस्जिद जब पानी का लेवल थोड़ा सा डाउन होता था इस डैम का लेवल, तो हल्का मीनार वगैरह दिखती थी, लेकिन पूरी मस्जिद नज़र नहीं आती थी। ये पहली बार हुआ है 1984 के बाद से जब ये मस्जिद पूरी तरह से नज़र आने लगी है, और ये मस्जिद काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। मैंने भी इस मस्जिद के बारे में वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। उस वक्त यहाँ पे ज़्यादा पानी वगैरह नहीं था, लेकिन अब जो है ना पानी भर चुका है, चारों तरफ से पानी भर चुका है, ये अब 2 से 2.5 फीट ये मस्जिद पानी में जा चुकी है। तो अब ये कहा जाए कि ये जो जल स्तर है वो बढ़ने लगा है, और हो सकता है कि जब ये डैम का पूरा लेवल बढ़ेगा तो ये मस्जिद फिर से पानी में चली जाएगी। थोड़ा और बढ़ाइए। इस मस्जिद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, इस मस्जिद के बारे में पहले से आप जानते थे? हाँ, पहले से तो जानते थे इसके बारे में। अच्छा, कि पहले मीनार निकला हुआ था मगर हम कभी देखे नहीं थे इसको। आप कहाँ से हैं? हम तो दूर से आए, गया से। अच्छा, गया से आप कोलकाता से आए? हाँ। तो इस मस्जिद के बारे में वो कैसे पता चला? हम लोग फुफू यहाँ रहते थे। अच्छा, इसी जगह पे चिरोला में रहते थे। अल्लाह जो है अपनी चीजों को सलामत रखता है, और उसकी हिफाजत की जो जिम्मेदारी है ना वो अल्लाह ने लिया है, तो इसकी हिफाजत खुद अल्लाह करता है। ये है इस मस्जिद का फ्रंट वाला हिस्सा जो यहाँ से आप देख सकते हैं पूरी तरह से, चारों तरफ से पानी है, आप उधर भी देख सकते हैं चारों तरफ से पानी ही पानी है, और बीच में ये मस्जिद है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे वो जगह मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया था कि ये जो मीनार था जो गिरा हुआ था, लेकिन अभी वो नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि पानी का जो लेवल है ना वो बहुत ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे वो बढ़ता ही जा रहा है। इस मस्जिद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। Yeah.
नहीं ना कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। बहुत अच्छा व्यू है, चारों तरफ से पानी ही पानी है। आपको मैं इस मस्जिद के चारों ओर लेकर चलता हूँ, आपको चारों तरफ से दिखाता हूँ। ये इसका चारों तरफ का हिस्सा है, इसका साइड वाला व्यू है, और इधर से आप देखिए ये बैक साइड है, आप ऊपर में देख सकते हैं, ये इसका बैक व्यू ऊपर में। अभी तो पूरी तरह से जो है ना दीवार जो है ना सलामत है, थोड़ा सा ये दीवार में थोड़ा सा क्रैक आया है। तो ये बैक व्यू है इसका, आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ। ये है इसका साइड व्यू, ये इसका साइड व्यू है, आप इधर से देख सकते हैं। ये है इसका फ्रंट व्यू। तो इस पूरी वीडियो पे आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, जब से ये मस्जिद वायरल हुई है तब से जो लोग हैं ना बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग देखने के लिए आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, यहाँ पे हर धर्म के लोग आ रहे हैं और ये अल्लाह के मौजजे को देखना चाह रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? मिथिलेश राजवंशी। मिथिलेश राजवंशी जी, तो आपका घर कहाँ है? मेरा घर हरदिया हुआ। हरदिया हुआ, पुरानी हरदिया, इसी पंचायत में पड़ता है। इसी पंचायत में? तो इस मस्जिद के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये मस्जिद के बारे में बहुत खुशी की बात है कि बहुत दिन के बाद निकला है डैम के। बहुत पानी था, इतना पानी था, हाँ, बहुत बड़ा बड़ा इमारत बहुत दाग गया है, लेकिन जो कहते हैं अभी तक इनके बनाए हुए 50 से ऊपर हो गया, 50 साल के आसपास, हाँ, 50 साल के ऊपर। हमको अच्छा। हम लोग के जन्म नहीं था, अच्छा, तब से फिर भी बनाया वो 50 साल हो गया होगा, अच्छा। ठीक है, और उससे पहले ही मस्जिद था, अच्छा। लेकिन जब भी बनाया उस दिन से पानी में जो भी डूबा था डूबे ले, अच्छा। हर धर्म के आदमी आ रहे हैं, सब धर्म के, अच्छा। ऐसा बात नहीं खाली एगो मुस्लिम का है तो मुस्लिम ही आ रहा है, टोटल सब धर्म। हिंदुस्तान जो जाना जाता है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपसी प्यार मोहब्बत और भाईचारे के लिए ही जाना जाता है, सब जाना जाता है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संजय साहू है। संजय साहू जी सर, तो यहाँ पे आप क्यों आए? अभी मस्जिद देखने के लिए, और ऐसा इमारत मतलब बहुत दिनों पहले से हुआ है। लोग कहते हैं कि मतलब 40-50 साल से डूबी हुई जी जी जी, मस्जिद को देखने आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा कुछ नहीं है सर, हम लोग मतलब एक सामाजिक तौर से बिल्कुल हर चीज देखना चाहते हैं, जैसे कि अपना इलाका है, बिल्कुल समझे ना। क्यों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसमें क्या क्वालिटी होती है? हल्का होती है, हल्का होती है। अच्छा, बहुत दिन चलती है ना, डूबती नहीं है? नहीं। तो कब से आप चला रहे हैं इसको? इसको बहुत दिन चला रहे हैं। मछली वगैरह पकड़ते हैं आप? और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।